पिछले दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर आई। एक लड़की ने शादी से पहले अपना वजन कम करने के लिए लाइपोसेक्शन सर्जरी कराने का फैसला किया, मगर सर्जरी के दौरान ही लड़की की मौत हो गई। इस घटना ने लाइपोसेक्शन सर्जरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि कम समय में मोटापा घटाने की ये तकनीक हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। लाइपोसेक्शन यानी एक खास सर्जरी जिसके जरिए शरीर के फैट को कम किया जाता है। इसमें शरीर को अलग अलग हिस्से से एक्स्ट्रा फैट को बाहर निकालकर शरीर को सुडौल बनाया जाता है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वजन कम करने का ये तरीका सही है? अगर नहीं तो फिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? यही नहीं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोटापा घटाने के और भी शॉर्टकट कैसे जान पर भारी पड़ रहे हैं, और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना वजन नेचुरल तरीके से भी घटा सकते हैं। चर्चा में हमारे साथ एक्सपर्ट का विशेष पैनल भी मौजूद होगा, और आइए उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं, दिव्या गांधी, डाइटिशियन, मानसी गुलाटी, योगा एक्सपर्ट, डॉक्टर शरद शर्मा, कंसल्टेंट लाइप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जरी फोर्टिस हीरानंदानी, और डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, वाइस चेयरमैन प्लास्टिक एस्थेटिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मेदांता हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर शरद, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले, क्योंकि लाइपोसक्शन की तकनीक को थोड़ा आसान भाषा में आप समझाइएगा, ये होता क्या है? हाँ जी, तो सबसे पहले जो आप बार बार लाइपोसक्शन वजन घटाने का जो एक तरीका बता रहे हैं वो नहीं है। लाइपोसक्शन जो है वो बॉडी स्कल्पिंग टेक्निक है, वो कोई वजन घटाने की टेक्निक नहीं है। तो अगर कोई इंसान है जो चाहता है कि मेरे पेट की थोड़ी सी चर्बी कम हो जाए, या मेरी बाहों की, या मेरे कहीं किसी एक शरीर के हिस्से की थोड़ी चर्बी कम हो जाए, मेरा शरीर थोड़ा अच्छा दिखने लगे, या मेरी बॉडी शेपिंग हो जाए, उसके लिए लाइपोसक्शन किया जाता है। लेकिन अगर कोई कहता है कि मेरा 10 किलो वजन कम कर दीजिए लाइपोसक्शन करके, तो वो सही चीज नहीं है। तो लाइपोसक्शन जो है वो वजन घटाने की टेक्निक नहीं है, वो बॉडी को शेप देने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से ये तो सबसे बड़ा मिथ जो कि आपने दूर करने की कोशिश की पहले सवाल के जरिए ही, कि ये वजन घटाने की कोई तकनीक नहीं है, बल्कि बॉडी को शेप में लाने की एक खास सर्जरी होती है। लेकिन ये अक्सर, ताकि आपने अभी हमें समझाया कि इसका असल मकसद क्या है, डॉक्टर शरद, जो लोगों में आम धारणा है वो ये है कि इससे बस आपका मोटापा ही कम हो सकता है। शरीर को शेप तो मिलेगा ही जब आपका मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन वो लोगों की मानसिकता में पहले नहीं आता। और जो हमने जिस मध्य प्रदेश के केस की बात भी की है, उस शख्स ने भी शादी से पहले वजन घटाने के लिए ही लाइपोसक्शन तकनीक का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा। ऐसा कितना हम देखते हैं डॉक्टर शरद, जहाँ पर लोग अप्रोच करते हैं वजन घटाने के मकसद से लाइपोसक्शन को? करते हैं। सो आपकी बात सही है, काफी लोग आते हैं, उनको पता नहीं होता है, और ये हमारा काम है एज डॉक्टर और एज अ साइंटिस्ट, जो भी हम साइंटिफिक, उनको नॉलेज देना कि आपके अगर आपको सिर्फ फैट ही कम करना है, या फिर अगर वजन घटाना है, तो लाइपोसक्शन कराना ठीक नहीं है। आपके और बहुत सारे तरीके हैं वजन घटाने के, और दिस इज आवर जॉब टू गिव दैट नॉलेज। आई मीन दैट इज ट्रू। बिल्कुल, इस शो के जरिए हम इसी तरह के मिथ्स को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर आदित्य, आप भी जुड़ गए हमारे साथ। तो डॉक्टर शरद ने समझाया कि बॉडी को शेप करने की देने की तकनीक है लाइपोसक्शन, ना कि वजन घटाने का इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है, लोगों में बहुत कम जागरूकता है इसके सही मकसद को लेकर। जब हम लाइपोसक्शन की बात करते हैं, इसका तरीका बेसिकली अगर आप हमको समझा सकें, जिस भी मकसद के लिए ये सही हो, बॉडी को आप शेप देना चाहे या एक आकार में पसंद करना चाहे, होती कैसे है ये पूरी सर्जरी? थैंक यू। आई थिंक पहले मैं ये कहना चाहूंगा, डॉक्टर शरद ने बिल्कुल ठीक कहा, बेरियाट्रिक सर्जन का रोल है कि जो बहुत ज्यादा मोटापा है, 30 किलो 40 किलो वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी बहुत ही लाभदायक सर्जरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम बॉडी स्कल्पिंग उनमें करते हैं जिनका की बॉडी वेट समांतर है या 10% ऊपर है, जिनकी की डाइट अच्छी है और हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पिज्जा बर्गर रोज खाएंगे और लाइपोसक्शन करा के फिट हो जाएंगे। सो लाइपोसक्शन का जो प्रक्रिया है, उसमें छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं, तो मशीन के द्वारा वो फैट सक किया जाता है। इससे आप पेशेंट को डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाइट या उसकी
बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखें। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। और लाइपोसक्शन, क्योंकि ये न्यूज़ में इसीलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर वक्त हम देखते रहते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह से उनको अपनी बॉडी का शेप चाहिए होता है, डिज़ायर्ड शेप चाहिए होता है, वो उन्हें मिल जाता है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इनफैक्ट एक्ट्रेसेस, पता नहीं अभी कितना सच है नहीं है, डिलीवरी के तुरंत बाद इस तरह की कराती हैं प्रोसीजर्स ताकि वो वापस से अपने पुराने शेप पर आ जाएं, और इसीलिए लोग थोड़ा सा ज्यादा इन बातों में आ जाते हैं। पर मोटापा, दिव्या, मेरे ख्याल से आप समझाना चाहेंगी और स्ट्रेस करना चाहेंगी एक्चुअल मोटापा क्या है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे गलत मापदंड है न सिर्फ हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में, जो कि अलग अलग तरीके से सेट किए गए हैं। अब चाहे वो किसी बीमारी को लेके मापदंड हो या आपके शरीर को लेके कोई मापदंड हो, एक बॉडी स्ट्रक्चर को और शेप को परफेक्ट मान लिया जाता है ये कहकर कि अगर आप इस तरह के दिखते हैं तो आप बिल्कुल फिट हैं और आप जो है लंबा जी सकेंगे। डेफिनेशन ऑफ बीइंग फैट ये क्या होती है, मोटापा असल में होता क्या है? देखिए, मोटापा होता है कि आपका हर जने के अंदर फैट है, राइट। मेल बॉडी फैट परसेंटेज अगर हम देखते हैं कविता, वो होती है 15%। फीमेल फैट परसेंटेज जो होती है वो है 20% ऑफ योर बॉडी फैट, बॉडी वेट, डॉक्टर दिव्या, राइट। डॉक्टर आजकल दिव्या, आप जो जो ये बीएमआई बता रही है, मेरे ख्याल से आप बीएमआई बता रही हैं, अब इसको लेकर भी डिबेट ये है कि यहाँ पर आपका जो बोन डेंसिटी होता है वो काउंटेड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीएमआई में काउंटेड मैं नहीं किए इसके जाते हैं, ऊपर इसलिए भी, ये हाँ भी जी, एक डिबेटेबल इशू है। बीएमआई, जी जी, बीएमआई होता है हमारा वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है कॉम्पोजिशन, ठीक है। ये आइडियल मैं बता रही हूँ कविता, आइडियल हम में से किसी का भी नहीं हो सकता जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, जो 1 घंटे का वर्कआउट कर रहा है, नॉर्मल खाना खा रहा है, उसका 15 या 20% बॉडी फैट होना पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ उनका होता है जो एथलीट्स हैं, ठीक है, या उनका होगा जो बहुत हार्डकोर वर्कआउट कर रहे हैं। आजकल अगर आप देखेंगे, जैसे हम लाइपोसक्शन की बात कर रहे हैं, मोटापा फिगर करेक्शन के लिए लाइपोसक्शन यूज किया जा रहा है। मोटापा होता है आप अपने आइडियल वेट से ज्यादा है, ठीक है, और जरूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है आप अपने आइडियल से, कोई 5 फुट 6 इंच का आदमी होगा, उसका वेट 65, लेकिन वो लगता फैट होगा। कई बार ऐसा भी होता है आपका वेट ज्यादा है लेकिन आपका मसल वेट ज्यादा होने की वजह से आप मोटे नहीं लगते हैं, राइट। अगर हम बात करें लाइपोसक्शन में, किसी की थाइज हैवी है तो वो लाइपोसक्शन कराएगा टू गेट टोन बॉडी। आप देखिए, कोई मोटा इंसान पतला होगा उसका बॉडी का प्रोपोर्शन सेम रहेगा। समबडी हु हैज अ लोअर हैवी विल ऑलवेज हैव अ लोअर हैवी अगर वो अपने आइडियल बॉडी वेट पर भी आ जाए। हमें मोटे या पतले के पीछे ना भागकर हमें फिटनेस पे भागना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आप मेडिकली फिट हैं, आपको ये देखना चाहिए कि आप बैलेंस्ड डाइट खा रहे हैं, आप प्रॉपर मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, आपकी गट हेल्थ कैसी, आपकी गट हेल्थ ठीक है। बाकी बॉडी के प्रोपोर्शन को ठीक करने के लिए किसी सर्जरी पे जाने से बेहतर है कि आप डाइट करिए, आप फिजिकल एक्टिविटी करिए, आप उसको टोन करने की कोशिश करिए खूब सारा प्रोटीन लेकर, खूब अच्छा वर्कआउट करके। तो मोटापा और लुक्स को इकट्ठा मिक्स कर दिया गया है जिसकी वजह से पीपल आर रनिंग आफ्टर दिस लाइपोसक्शन आजकल। इसके अलावा हम देखेंगे लाइपोसक्शन फैट के लिए आजकल लोग फेस पे भी बहुत सारी चीजें कराते हैं, फेस फैट कम करने के लिए भी बहुत सारी चीजें आजकल होती हैं। सो दैट वे पीपल आर रनिंग आफ्टर लुकिंग गुड देन रनिंग आफ्टर बींग फिट। सो हमें फिटनेस पे ध्यान देनी है। लुक्स तो इट इज जस्ट टेम्परेरी, बुढ़ा सबको होना है, मसल सबकी ड्रॉप होनी है लेटर ऑन इन एज। सो हमें फिटनेस की तरफ भागना है, हेल्दी खाना है, अच्छा वर्कआउट करना है ताकि हम मोटापे की तरफ ना जाएं। और अगर हम मोटे हैं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम इस मोटापे को कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मोटापा कम करना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी जो सेहत
वो दुरुस्त रहे। और अच्छा दिखने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आजमाए जाते हैं, लेकिन तवज्जो अगर फिटनेस को दी जाए तो बेटर होगा। डॉक्टर शरद, ये समझाएं मुझे कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो क्या आप उनको आपका क्या बहुत सारा समय, इनफैक्ट मेरे को ऐसे पूछना चाहिए, क्या बहुत सारा समय काउंसिलिंग में जाता है जहाँ पर लोग इस तरह की धारणाएं लेकर आते हैं और आपके पास आके बोल देते हैं मेरी चर्बी कम कर दीजिए, मुझे मुझे अपना पेट कम करना है, मुझे एब्स दिखाने हैं, क्या इस तरह की जब अप्रोच होती है, जब सवाल होते हैं तो आप उन्हें काउंसलिंग में क्या यही सब चीजें समझाते हैं कि आप जैसे दिख रहे हैं वैसे अच्छे हैं, पहले अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और जरूरत पड़ी तब जाके आप इस तरह का कोई प्रोसीजर करें, क्या क्या नॉर्मल फ्लो ऑफ कंसल्टेशन क्या होता होगा आपका? तो आप सही कह रहे हैं, आपने जो कहा बिल्कुल 100% सही कहा है कि काउंसलिंग और पेशेंट को सही रास्ता बताना, या पेशेंट भी नहीं, वो तो शायद पेशेंट भी नहीं होंगे, दे आर नॉर्मल पीपल हु हैव सम थॉट्स दे आर वेट, या जो जो चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो, या वो अपने बारे में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमको उनको एक अलग नजरिया दिखाना पड़ता है कि क्या वो सही खा रहे हैं, क्या उनको कोई और बीमारी है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल डिजीज है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है। तो हमको ये ढूंढ के निकालना है कि उनकी फिटनेस क्या है और उस फिटनेस से रिलेटेड या बीमारी से रिलेटेड कोई और इश्यूज हैं कि नहीं, और उनको किस तरीके से हैंडल करना है। और जैसे अग्रवाल सर ने कहा कि अगर आपका वजन 5-10% ज्यादा है तो देर आर सो मेनी अदर वेज और तरीके हैं जिस तरीके से आप वजन कम कर सकते हैं, उसके लिए कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप न्यूट्रिशनल एडवाइस ले सकते हैं, आप फिटनेस एडवाइस ले सकते हैं, और इट कैन बी मैनेज, सो आप बहुत अच्छी तरीके से वजन कम कर सकते हैं। तो ये काउंसलिंग जो है, इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर मेडिकल मैनेजमेंट या हमारे एक्सप्लेनेशन। हर एक बंदा जो हमारे पास सर्जरी के सोच से आता है, उसकी सर्जरी हम कर नहीं देते, सो बिल्कुल, दैट इज ट्रू। बिल्कुल डॉक्टर आदित्य, एक 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 होता है थोड़ा सा अपने वजन से ज़्यादा जो आपका मापदंड है, आइडियल वेट है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा होना, और एक होता है ओबीस। क्या ओबीस शख्स लाइपोसक्शन के लिए क्विक फिक्स तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ जो बॉडी वेट उनका होना चाहिए उसकी ओर बढ़ने के लिए लाइपोसक्शन क्या पहला कदम हो सकता है? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट जो भी हमारे पास आते हैं, काउंसलिंग इज द फॉरमोस्ट थिंग विच वी हैव टू डू। पहले हम चेक करते हैं कि पेशेंट का वेट लास्ट 6 मंथ से कैसे है। पेशेंट जो कि अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, डाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, फिटनेस पे नहीं ध्यान दे रहा है, दे आर नॉट एन आइडियल कैंडिडेट फॉर लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन उन लोगों में सफल होता है जिनके पास लोकलाइज फैट डिपॉजिट है। जैसे हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि जो जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड फैट है, जहां डिपॉजिट होता है, जो कि आप पैसे नहीं रिमूव कर सकते, वहां पे लाइपोसक्शन विल हेल्प यू। आपके लव हैंडल्स हैं या आपके जो अब्डोमेन में थोड़ा सा फैट है, वहां पे हम लाइपोसक्शन के द्वारा उनको शेप दे सकते हैं, उनकी बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अ बेरियाट्रिक सर्जरी, जिनके पास जिनका कि वजन कम से कम 40 या 50 किलो ज्यादा है, उनको लाइफस्टाइल डिजीजेस हो जाती हैं। सो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आपने एक क्वेश्चन पहले पूछा था, आजकल बहुत सारी मशीन्स हैं एंड फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं जो कि लाइपोसक्शन करते हैं, तभी ये हादसे होते हैं कि आपने सुना कि किसी सज्जन की डेथ हो गई, लाइपोसक्शन कराया। मेडिकल फैसिलिटी हैज टू बी देयर, ऐसी सिस्टम होना चाहिए जहाँ स्टेरिलिटी है, जहाँ पोस्ट ऑफ केयर है, आप किसी भी छोटी जगह पे जाके ये प्रोसीजर नहीं करा सकते। बिल्कुल सही, और प्रोसीजर कराने के पीछे मूल मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब मोटापे की बात आती है उसमें बहुत सारे वर्कआउट शामिल होते हैं और योगा भी उसमें से एक ज़रूर होता है। जब योगा की बात है तो टिपिकली हम उसको एक लाइफस्टाइल के नज़रिए से देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वही शायद एक सही अप्रोच भी है योगा को लेकर। केवल योगा को मोटापा घटाने, खैर उसका एक फीचर वो भी है कि आपका मोटापा भी लंबी अवधि में कम होता है, बट वो आपकी अप्रोच नहीं रह सकती। मानसी क्या कहेंगी? बिल्कुल सही, योग बहुत जरूरी है, योग करिए, अपने आप को हमेशा निरोग भी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपोसेक्शन, फिलर्स, बोटॉक्स, आजकल पीपल यू नो लाइक अफकोर्स आप अगर प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में करते हो इट इज ओके, बट योग करना बहुत जरूरी है। वी ऑल आर ब्यूटिफुल क्रिएचर ऑफ गॉड, जस्ट ट्राई टू मेंटेन इट विद द नेचुरल थिंग। एंड ऑल्सो आप योग करिए, रोज आधा घंटा योग करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए। साथ में डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 बजे के बाद ऑयली फूड का सेवन मत करिए, जंक फूड मत खाइए, पानी बहुत पीजिए, हर आधे घंटे के बाद आधा ग्लास पानी पीजिए, ये भी आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करता है।
तो योग जरूर करिए, योग करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी, और सही गाइडलाइंस में लिपोसेक्शन कराना है या आपको कुछ भी अगर आप सोचते हैं सही गाइडलाइंस में करिए। थी मेरा खुद का वेट 50 किलो है, 15 साल से ज्यादा मेरा वेट ना बढ़ता है ना कम होता है, सिर्फ योग के सहारे, योग की वजह से। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, योग जरूर करिए, योग करके अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए, इन चीजों में मत जाइए, क्योंकि वी हर्ड इट समटाइम इट टर्न बैड ऑल्सो, बट यस, अगर आपको करना है तो प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में, प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर काउंसलिंग के साथ करिए, और योग प्रतिदिन रोज करिए, अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखिए। ऑल राइट डॉक्टर शरद, अब समझते हैं जब कोई लाइपोसक्शन के लिए के बारे में सोचता है या एक आइडियल प्रोसीजर, या अगर मैं समझना चाहूँ आपसे ये प्रोसीजर में हम ओवरऑल बॉडी के फैट के रिडक्शन की बात कर रहे हैं, या जैसा आपने कहा कि कोई कोई जो पेशेंट्स आते हैं तो उनकी अलग अलग बॉडी पार्ट्स को लेकर डिमांड होती है जिसपे वो काम करना चाहते हैं, क्या बॉडी वाइज भी लाइपोसक्शन होता है, या जब हम फैट रिडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज पर होता है? तो इसमें से कुछ सवाल डॉक्टर आदित्य के लिए हैं और कुछ सवाल मेरे लिए हैं। आई ये विल सवाल या ले मे बी लूंगी ही कैन एक-एक टेक ओवर। करके। यस जी यस आप डॉक्टर आदित्य, यू कैन टेक ओवर द लाइपोसक्शन पार्ट। या सो कविता जी, ऐसा होता है कि लाइपोसक्शन से आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो आदमी फिट रहता है, एक्सरसाइज करता है, डाइट का कंट्रोल करता है, जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा योगा करते हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें लाइपोसक्शन कैन इंक्रीज देयर फिटनेस और उनका जो है वेलबींग अच्छा हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि हर पेशेंट इज गुड इनफ टू गेट ए लाइपोसक्शन डन। हमें केस सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ता है और पेशेंट को काउंसिल करना पड़ता है कि आपने एक बार लाइपोसक्शन करा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा वेट नहीं पुट ऑन करेंगे। अगर आप डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, बैलेंस नहीं बना के रखेंगे, तो फिर से आप मोटे हो जाएंगे। जहां तक डॉक्टर शरद का अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनके पास जाता है वो जनरलाइज बॉडी पार्ट्स की ओबेसिटी के लिए है, जहाँ सब जगह फैट भरा हुआ है, तो वहां पे डॉक्टर शरद का रोल आ जाता है। डॉक्टर शरद तो आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं, एक मोटापे की डेफिनेशन होती है भीषण मोटापा। भीषण मोटापा मतलब मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, और उसकी एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आप रन कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि एक लेवल ऑफ मोटापा या क्लास 3 ओबेसिटी कहते हैं, या मॉर्बिड ओबेसिटी, वो 35 BMI के ऊपर, बॉडी मास इंडेक्स अगर 35 हो, और हम, जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि दिस इज नॉट फॉर एन एथलीट और अ रेसलर और अ बॉडी बिल्डर, एक नॉर्मल इंसान जो अपना जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल या जो एक ऑफिस वर्क करता है, उस बंदे का अगर बॉडी मास इंडेक्स 35 है, दैट मीन्स ही इज मॉर्बिडली ओबीस। तो ये जो अभी रिसेंट डेफिनेशन है फॉर एशियन कि 35 BMI के ऊपर जिसका है वजन ज्यादा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 kgs और इवन मोर देन दैट, उनके लिए बेरियाट्रिक सर्जरी सबसे ज्यादा इंडिकेटेड है। और अगर उनको डायबिटीज या स्लीप एपनिया या PCOD या कोलेस्ट्रॉल डिजीज या नी आर्थराइटिस, ये सब अगर साथ में है, तो उनके लिए ये बेरियाट्रिक सर्जरी ज्यादा जरूरी हो जाती है। एंड ऑफकोर्स जो विसरल ओबेसिटी, जो बार बार सेंट्रल ओबेसिटी की बात हो रही है, कि जो चर्बी जो है पेट के अंदर है, जो लिवर के आसपास है, आतड़ियों के आसपास है, इसको विसरल ओबेसिटी कहते हैं, और ये सिर्फ बेरियाट्रिक सर्जरी से कम होगा, और इसके लिए लाइपोसक्शन का कोई रोल नहीं है। ऑल राइट ये जिस तरह के इंसिडेंसेस सामने आए हैं, और मेरे ख्याल से दोनों ही डॉक्टर्स पैनल पर हैं तो शायद बारी बारी इसका जवाब दे सकते हैं, इन सर्जरीज के वजह से जो डेथ हुई है, यहाँ क्या गलत हुआ होगा डॉक्टर आदित्य? ना चाहूंगा, इस समय मैं प्रेसिडेंट हूँ इंडियन एसोसिएशन एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन का। तो हम लोग गाइडलाइंस निकालते हैं, गाइडलाइंस अपने मेंबर्स को बताते हैं, एंड प्लीज रिमेम्बर, जब भी आप किसी सर्जन के पास जाते हैं कि मेरे को लाइपोसेक्शन करवाना है, प्लीज चेक हिज और हर डिग्रीज, चेक के वो क्वालिफाइड हैं। ऐसे सेटअप में काम करते हैं जहाँ सारी सुविधाएं हैं, किसी भी पेशेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट्स जब भी सिलेक्ट करें अपने सर्जन को तो अपनी थोड़ी छानबीन जरूर करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइडलाइंस फॉलो होती हैं मेंबर्स के द्वारा, जो हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल ट्रीटमेंट प्रोसेस। आप कहीं भी जाके कोई भी सर्जरी कराते हैं तो डॉक्टर से जानिए कि उसने पहले इस तरह के पेशेंट्स किए हैं, कोई पेशेंट से वो मिल सकते हैं, कुछ रिजल्ट देख सकते हैं,
सो ये सब चीजें हैं जो आदमी को एज ए फर्स्ट थिंग अपने दिमाग में रखनी चाहिए और किसी भी डॉक्टर के द्वारा सर्जरी कराने से पहले उनसे पूछनी चाहिए। डॉक्टर शरद, तो ही करेक्ट। सो लाइपोसक्शन के बारे में कहना मेरे लिए जरा सही नहीं है, बट हाँ, कोई भी सर्जरी, चाहे वो लाइपोसक्शन हो या बेरेटिक सर्जरी, जब तक ये सारी बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं और इनको करने का एक तरीका होता है, इनके लिए एक सेटअप की जरूरत है, इक्विपमेंट की जरूरत है, एक टीम की जरूरत होती है और बैकअप लोग भी लगते हैं। अगर सब जो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बट अगर आपके पास एक अच्छा आईसीयू है, आपके पास अच्छे फिजिशियंस हैं, आपके पास अच्छा बैकअप है, तो ये पेशेंट्स को किसी तरीके से सीवियर कॉम्प्लिकेशन या डेथ से आप बचा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, जैसे कोई हार्ट की सर्जरी हो गई, नी की सर्जरी हो गई, यूट्रस की सर्जरी हो गई, सो यू कैन हैव कॉम्प्लिकेशंस इन एनी ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी हो गई। तो ऐसा नहीं होता है कि सर्जरीज में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, बट यस, जब आप लाइपोसक्शन कहते हैं तो दे आर कॉस्मेटिक ऑपरेशन या बेरेटिक सर्जरी कहते हैं, उसको भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग में हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं। तो इनमें थोड़ा सा एक प्रोजेक्ट ज्यादा रहता है, बट देन यस, हमेशा आप ये सर्जरी जब भी कराएं, एक अच्छे सेंटर में कराएं, रेप्यूटेड सेंटर में कराएं, डॉक्टर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होना चाहिए। मतलब पहली बार आप गए और तुरंत आप ऑपरेशन टेबल पे चले गए बिना प्रिपरेशन के, वो भी गलत है। सो ओबीज पेशेंट्स को जब हम ट्रीट करते हैं, दे आर ऑलरेडी डिजीज, उनको ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, उनको कोई और इश्यूज होते हैं, तो ऑलवेज उनको ऑप्टिमाइज करके, मतलब एक सही लेवल पे लाकर ही ऑपरेशन किया जाता है। इनके ऑपरेशन कभी भी जल्दबाजी में नहीं किए जाते, तो इसीलिए ये सब डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए, दोनों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक कूलिंग पीरियड सबका होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन लाइपोसक्शन कराएं या ना कराएं, फिटनेस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और अकेले केवल एक्सरसाइज करने से या किसी भी तरह का वर्कआउट रिजीम फॉलो करने से ये बात नहीं बनेगी। आपको अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा। अगर आपने लाइपोसक्शन करा लिया है, उसके बाद भी आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अपने लाइफस्टाइल में, और अगर नहीं करवाया है, वो नौबत नहीं लगती आपको, तब भी फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो दिव्या, बताइए अब थोड़ा सा खान पान में कैसे हमें बदलाव करने की ज़रूरत है ताकि वज़न घटे। एक्सरसाइज तो करनी है, उससे आप चूक नहीं सकते, उसे आप मिस नहीं कर सकते, लेकिन खाने पीने में किन बातों का परहेज़ करना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए? ऑयली नहीं खाएं, बाहर का जंक नहीं खाएं, ये बातें लोगों को पता होती हैं लेकिन शायद ध्यान में नहीं रहता। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो है हाइड्रेशन। आप देखिए, आप डाइट करें या फिजिकल एक्टिविटी करें, हमारी बॉडी से फैट कहाँ जाता है? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हमारा वेट जाता है स्वेट के थ्रू, तो हमारा सोर्स क्या है? वाटर। जब हम डाइट करते हैं, हमारी बॉडी से जो फैट जाता है वो जाता है यूरिन के थ्रू, और हमारा फैट जाता है रेस्पायरेशन के टाइम जो वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं। तो दिस इज द थ्री सोर्सेस जिससे हमारी बॉडी से फैट निकलता है। जो लोग पानी नहीं पिएंगे, आप कितना एक्सरसाइज कर लीजिए, डाइट कर लीजिए, आपको यू विल नॉट मैच्योरेट, जिसकी वजह से आपका बॉडी फैट जा ही नहीं सकता। ना कि पानी टॉक्सिन्स रिलीज करता है, बट इट एड्स टू डाइजेशन ऑल्सो। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है वो है 11 to 13 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे, लेना ही लेना है, नहीं तो आप कितना वर्कआउट या डाइट कर ले, वेट लॉस नहीं आएगा। सेकेंड चीज, सोडियम इनटेक। जितना हम सोडियम को मॉनिटर करेंगे अपनी बॉडी में, अपने डेली इनटेक में, उतना जल्दी वेट लॉस होगा। रात के टाइम सोडियम इनटेक कम करेंगे। सोडियम इनटेक किसमें, सोडियम किसमें होता है? हमारे कॉमन सॉल्ट में होता है, उसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स जैसे मशरूम्स हो गए, पालक हो गई, इन सब में भी सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। तो रात के टाइम सोडियम इनटेक कम करेंगे, प्लस प्रोसेस्ड फूड आप खा सकते हैं, बट वंस इन अ वाइल, वंस इन अ मंथ आप कोई पैकेट फूड खा लीजिए, जो क्योंकि जो भी चीज पैकेट होती है उसमें एज अ प्रिजर्वेटिव शुगर या सॉल्ट दोनों चीजों का मात्रा अंदर डाली जाती है। थर्ड चीज आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपको कोई रोटी खाने से मना नहीं करेगा, चावल खाने से मना नहीं किया जाता, बट आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाना है। रोटी खाइए व्हीट ब्रान की, ओट की, किनुआ के आटे की। राइस खाना चाहते हैं तो ब्लैक राइस खाइए, बिकॉज वो बहुत तेजी से वेट लॉस करते हैं। फाइबर और किस चीज में होगा? हमारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बट मेक श्योर वो सीजनल होना चाहिए।
इसके अलावा बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर प्रोटीन हमारा वेट लॉस करता है, प्रोटीन हमारा वेट गेन भी करता है। तो हमें बहुत स्मार्टली प्रोटीन को कंज्यूम करना है। अगर हम प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं तो हम ड्यूरिंग द डे लेंगे एटलीस्ट 2 पोर्शंस ऑफ प्रोटीन लेंगे, ब्रेकफास्ट और लंच में, डिनर में नहीं लेंगे। हम एनिमल प्रोटीन ले रहे हैं तो वो हम रात को भी ले सकते हैं, बिकॉज इट 100% प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम इट, और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी फूड अपनी डाइट में ऐड करेंगे, जैसे कि जिंजर हो गया या टर्मरिक हो गया, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो सूजन, वाटर रिटेंशन रहती है वो अपने आप कम हो जाए। 7 बजे के बाद सॉल्ट का इंटेक कम रखेंगे, टाइम से सोएंगे, टाइम से उठेंगे, पोर्शन कंट्रोल करना भी जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मैं पूरा दिन हेल्दी खाना खाती हूँ, मेरा फिर भी वेट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आप अपना पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू कीप अ चेक ऑन योर पोर्शन साइज। वो आप कैसे कर सकते हैं, बाय माइंडफुल ईटिंग। टीवी देखते हुए खाना नहीं खाएंगे तो एक रोटी आपके पेट में अपने आप ही कम जाएगी। सो यस, दिस इज द राइट वे टू कंट्रोल योर वेट एंड लूज योर वेट एज वेल। और इसको आप अपने वर्कआउट के साथ अमल में लाएं, वैसे एक रात में ये चीज़ नहीं होगी, मेरे एक लाइफस्टाइल चेंज है, एक एक कदम करके आपको आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर्स ने भी बताया, लाइपोसक्शन जैसी सर्जरी तभी कराएं जब आपको पता है कि आप बाकी सब तरह से बिल्कुल फिट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।